तो आज आम का खीर बनाएंगे, खाने में आप लोग का बहुत पसंद है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बाउल लिया है, एक कप उजला वाला चावल लिया है। अब चावल को हम दो तीन पानी धो लेंगे, करीबन 100 ग्राम चावल होगा। अब एक पतीला लेंगे, उसमें 1 लीटर मिल्क दूध लेंगे, उसमें पतीले में डालकर उबालना है। अब 1-2 मिनट तक हम उबालते रहेंगे, गैस को थोड़ा हाई रखेंगे। दोस्तों दूध को हम चलाते रहेंगे कि दूध को नीचे से जले नहीं। अब देखिए दूध में उबाल आ गया है, अब गैस को थोड़ा हाई है तो उस गैस को थोड़ा हम कम करके दूध को उबालेंगे। दूध उबालने में हमको 10-15 मिनट लगेगा। उसके बाद में हम धोया हुआ चावल हम डालेंगे। अब चावल पकाने में हमको समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। अब चावल को हम चलाते रहेंगे कि नीचे से पकड़ेगा नहीं। दोस्तों दो आम लिए हैं, बड़ा साइज का आम है। अब आम का जो छिलका है उसको उतार लिए हैं, और आम को जो गूदा है उसको चाकू से हम कट कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी जार लेंगे। अब मिक्सी जार में काटा हुआ आम डालकर अब आम को हम पीस लेंगे। दोस्तों चावल आधा पक चुका है। आप कोई पर्व में आप खीर बनाकर खा सकते हैं। अब इसके बाद में हम चीनी 1 कप लेंगे, चीनी अपने अंदाज से चीनी डाल सकते हैं। अब खीर को हम 1-2 मिनट तक हम चलाते रहेंगे। दोस्तों आपको जब मन करे खीर आप बनाकर झटपट बनाकर खा सकते हैं। आपका घर में आम होगा तो आम भी डालकर खा सकते हैं। अब इलायची पाउडर क्रश करके हम डालेंगे, अब उसको खीर को हम चलाएंगे। अब खीर को हम 5 मिनट और हम पकाएंगे। दोस्तों जब खीर बन रही है तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और पूरी के साथ में और अच्छा लगेगा। उसके बाद में हम काजू पिस्ता कट करके हम डालेंगे, कि पिस्ता डालने से थोड़ा खीर और टेस्टी बन जाते हैं। फ्रेंड आप हलवा खा खा के आपका मन उब जाए तो आप खीर बनाकर खा सकते हैं। उसमें आम का जो ग्रेवी है उसको हम डाल देंगे, और खीर को 1-2 मिनट और हम पकाएंगे। अब चलाते रहेंगे और गैस को फ्लेम कम करके रखेंगे कि नीचे से जलेगा नहीं। अब मेरा खीर तैयार हो गया है। एंड खीर हो जाने के बाद में एक बाउल में हम स्वर कर सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा आम कट करके ऊपर से सजा सकते हैं। उसके बाद में हम आम को भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चाहे टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ भी आप से स्वर कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।